प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की होती है और वो होता है प्रैक्टिस करना। पर किस चीज़ की प्रैक्टिस करना? जो एग्जाम में आएगा उसकी प्रैक्टिस करना। अब चूंकि हम टॉपिक्स तो बता नहीं सकते कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो उसी टॉपिक्स जो एग्जाम में आते हैं उन्हीं की तरह कुछ हम क्वेश्चंस को लेते हैं, उन्हीं के फॉर्मेट में क्वेश्चन को रखते हैं और कोशिश करते हैं उनको सॉल्व करने की। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल, इससे आपकी एनालिटिकल स्किल्स में इजाफा होता है। आप समझ पाते हैं कि आप कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को याद रखने की जो प्रॉब्लम होती है या जो पावर होती है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। तो गाइज, यही प्रैक्टिस करने के लिए आप सभी यहाँ पर हैं और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्रत्यूष में। तो गाइज, जून का करंट अफेयर जो है उसका ये थर्ड पार्ट है एमसीक्यू का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। कुछ 5 क्वेश्चन यहाँ मैं लाया हूँ, उनके बारे में मैं आपको जितनी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा वो आप ये देखेंगे कि कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, एक टॉपिक से कितना कुछ समझ पाते हैं ये भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे। तो गाइज, बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, योग दिवस 2020 यानी योगा डे 2020 की थीम क्या थी? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला कह रहा है सभी के लिए योग घर पर योग, दूसरा कह रहा है स्वास्थ्य के लिए योग घर पर योग, या फिर घर से योग विश्व के लिए योग। लास्ट ऑप्शन कहता है नन यानी इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो जैसा कि अगर आपको आप आंसर आता है तो आप अपना आंसर टिक करिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका। इस समय क्वारंटाइन के टाइम में अभी योगा दिवस 21 जून को बेसिकली मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा इसके बारे में। तो 21 जून को चूंकि कोरोना से हम सभी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और उसकी वजह से क्वारंटाइन का सिस्टम चल रहा है, तो योगा एट होम आप बहुत आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं कि थीम हो सकती है, बट योगा फॉर ऑल होगा या योगा फॉर हेल्थ होगा इसी में आपकी कन्फ्यूजन होगी। तो गाइज, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। कुछ जानते हैं योगा के बारे में। योगा आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए तो हेल्पफुल होता ही होता है, साथ ही इसका जो मेन मोटो, मेन उद्देश्य है वो ये है कि आपकी बॉडी और आपकी माइंड में एक हार्मनी हो, यानी आपके शरीर और आपके मस्तिष्क में एक सामंजस्य आप बोल सकते हैं हो। ये सामंजस्य कैसे आएगा? कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योग पोजेज जिसको आसन बोलते हैं, और मेडिटेशन, इन सभी तरीकों से आपको ये चीज़ें प्राप्त होंगी। कुछ फायदे भी हैं इसके, जैसे कि हार्ट डिजीज़ के जो रिस्क होता है उसको कम करता है, आप देख सकते हैं, स्ट्रेस घटाता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये सारी चीज़ें कम करता है और हम एक स्वस्थ जीवन के प्रति आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड शिवा को हम पहला योगी मानते हैं, भगवान शिव शंकर को कहा जाता है कि आदि योगी थे यानी सबसे पहले योगी थे, और इन्होंने ही सप्त ऋषियों में ये बातें योगा के बारे में सारा उनको ज्ञान दिया, और ये माना जाता है कि सप्त ऋषि ही पूरे विश्व में योगा फैलाने के लिए जिम्मेदार थे। अगला बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि लोकटक लेक के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, यहाँ करीब 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है नीचे दिए हुए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो गाइस, पहला जो क्वेश्चन, पहला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि लोकटक लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ फुंदिस पाए जाते हैं जो कि इसके ऊपर फ्लोट करते हैं और इसी वजह से ज़्यादा प्रसिद्ध है। कैबुल लामजाओन नेशनल पार्क जो यहाँ पर लोकेटेड है वो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। थर्ड स्टेटमेंट सेज कि द पार्क इज द लास्ट नेचुरल रिफ्यूज, यानी कि प्राकृतिक शरण देने के लिए संगाई नाम के जीव को जो कि इंडेंजर्ड है, संकटाग्रस्त है, उसके लिए भी ये फेमस है। तो आपके कुछ ऑप्शंस हैं, आप देखिए उनको, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, या फिर पहला दूसरा तीसरा, कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे देखिए, आप इसको टिक करिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो गाइस, इसका जो आंसर है वो थर्ड है, दूसरा और तीसरा, क्योंकि लोकटक लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक तो है बट इंडिया की नहीं है, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर झील है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है और ये संगाई नाम के जीव को शरण प्रदान करता है। आइए कुछ इमेजेस से देखते हैं। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, आपको मणिपुर दिख रहा है। अब मणिपुर में आपको मिलेगा कैबुल लामजाओ और लोकटक लेक,
मोरंग नाम की एक जगह है, MORANG, मोरंग नाम की जगह है मणिपुर में, वहां पर ही आपको कैबुल नामजाओ नेशनल पार्क मिलेगा। ये लोकटक लेक आपको सामने दिख रही है और इसी लोकटक लेक पर फुम्दिस तैरते हुए मिलते हैं। आइए उनको भी हम देख लेते हैं। ये रही इमेज, फुम्दिस ऊपर तैर रहे हैं। फुम्दिस बेसिकली कुछ नहीं, एक असामांगी मिश्रण होता है आपके वेजिटेशन का, सॉइल का, ऑर्गेनिक मैटर्स का। आगे बढ़ते हैं तो संगाई को देखते हैं। ये आपका संगाई हो गया, और संगाई के बारे में कुछ जानते हैं इस इमेज से। यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी कि ये मणिपुर इंडिया का एंडेमिक यानी यहीं पर पाया जाने वाला स्पीशीज है, जो कि इस समय इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। कैबुल लामजाओ के जो फ्लोटिंग मार्शी ग्रासलैंड है, वहाँ पर इसका नेचुरल हैबिटेट है, ओरिजिनल नेचुरल हैबिटेट है, तो ये बात हम समझेंगे। और सदर्न पार्ट ऑफ लोकटक लेक में पाया जाता है। गाइज एक और चीज यहाँ ध्यान रखिएगा कि इंडेंजर्ड है, ये संकटाग्रस्त है, तो IUCN के अकॉर्डिंग, तो ये बात क्वेश्चन में कभी पूछा जा सकता है एग्जाम वगैरह में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट इथियोपियन रेनेसा डैम जो कि न्यूज में है, तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। क्या जानकारी है ये हम इसके बारे में देखते हैं। पूछ रहे हैं कि कहाँ पर ये बना हुआ है। ऑप्शंस आपके हैं व्हाइट नाइल रिवर, ब्लू नाइल रिवर, कॉन्गो रिवर या फिर नाइजर रिवर। अगर आपको आंसर पता है तो इसका आंसर टिक करिए, मैं आपको बताता हूँ। भाई इसका जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन मिल जाएगा, ब्लू नाइल रिवर इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं इसके बारे में जरा। ये देखिए आप अफ्रीका यहाँ पर देख पा रहे हैं, और अफ्रीका का हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये जो एरिया है, इधर आपको देखना है कुछ इन देशों के बारे में। अब यहाँ आप देख रहे हैं इजिप्ट मिल रहा है आपको, इजिप्ट के नीचे सूडान मिल रहा है, और ये नाइल रिवर आपको यहाँ पर मिल रही है। एक तो इधर एरिया चला जाता है विक्टोरिया लेक की साइड, और एक यहाँ से इधर मुड़ जाता है इथियोपिया। अब इथियोपिया में यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रेट इथियोपियन रेनेसा डैम। अब ये जो डैम है ये ग्रेविटी डैम है। इसके बारे में आइए कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि ये अफ्रीका का बिगेस्ट डैम प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा डैम प्रोजेक्ट है, और ये इट विल हैव लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन लॉन्गेस्ट रिवर, जो यहाँ की सबसे बड़ी रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है, नील नदी, उसके उसके ऊपर इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट जानी है जो समझने वाली, वो ये है कि नील इज अंडर सीरियस सेट ऑफ सीवियर पोल्यूशन। जो नील नदी है उसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज और इजिप्ट की ग्रोइंग पॉपुलेशन से इफेक्ट पड़ रहा है लगातार। तो इस पर डैम बनेगा अगर कोई, तो आगे उसकी बायोडाइवर्सिटी पर, इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर प्रॉब्लम होना बहुत ही ऑब्वियसली बात है। जैसा कि आप देख सकते हैं इजिप्ट की बात करें, तो इजिप्ट इज वन ऑफ द ड्राइएस्ट कंट्रीज ऑन अर्थ विद 95% ऑफ इट्स पीपल लिविंग अलोंग द नाइल, की जो नील नदी जा रही है उसी के आसपास करीब 95% इजिप्ट की मिस्र की रहती है, और बाकी पूरे एरिया में बहुत ही कम पॉपुलेशन है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये देखिए इजिप्ट आपको दिख रहा है, तो बस इसी कुछ एरियाज में यहाँ पर 95% पॉपुलेशन आपको मिल रही है, बाकी एरियाज में नहीं। तो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के संदर्भ में कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट है। पहला कहता है, भगवान महावीर सेंचुरी लोकेटेड है वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका में। आपको पता है ये एरिया वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका में लोकेटेड है। इट इज होम टू दूध सागर वाटरफॉल। ये दूध सागर वाटरफॉल जो है हमारा, वो यहाँ पर स्थित है। तो आपके लिए ऑप्शन है पहला, दूसरा, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो टिक करिए, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। द आंसर वुड बी टू ओनली। दूध सागर वाटरफॉल यहाँ पर है, लेकिन ये कर्नाटका में लोकेटेड नहीं है। कहाँ लोकेटेड है आइए हम इसको देखते हैं। हम देख पा रहे हैं यहाँ गोवा, गोवा में आपको ये भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी। ये रही भगवान, आप जूम इन करेंगे तो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगी, और दूध सागर फॉल भी मिलेगा। यहाँ एक चीज़ आपको जाननी है कि जो प्रॉब्लम यहाँ पर उठी थी वो ये कि यहाँ से बात हो रही थी कि आप हाईवे बनेगा, और हाईवे बनेगा फोर लेन हाईवे बनने की यहाँ पर बात हुई। तो ये हुआ कि भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ साथ यहाँ पर मोलन, MOLLEM, मोलन नेशनल पार्क है। तो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मोरन नेशनल पार्क से होकर ये रोड जाती, और ऑब्वियस सी बात है अगर रोड जा रही है तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, इधर का इकोसिस्टम, इधर का इकोसिस्टम, पूरी वाइल्ड लाइफ सेपरेट हो जाती है इस रोड की वजह से। तो इसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ में था, तो यहाँ पर आप इस बात को जानिए। दूध सागर फॉल की भी कुछ यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखें इमेज है, ये देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल है दूध सागर वाटरफॉल है। ये बेसिकली आप ये जानिए 4 टीयर है,
फोर्ट ईयर वाटरफॉल है पहली चीज़, मांडवी नदी जो है गोवा की उस पर ये है, मांडवी नदी पर है, 310 मीटर इसकी ऊंचाई है, 310 मीटर ऊंचाई है और 30 मीटर्स करीब चौड़ा है ये। और एक बात याद रखिए, कर्नाटका और गोवा के बीच के बॉर्डर की आप बात कर सकते हैं, बीच के बॉर्डर पर है, बॉर्डर बनाता है। अब एक और इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में कि इसको वहाँ की भाषा में तामडी, TAMBDI, तामडी सुरला, SURLA, तामडी सुरला भी इसको बुलाया जाता है वहाँ की लैंग्वेज में। तो दूधसागर फॉल के बारे में हम जान गए। फॉल्स की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं, अगर पूछें कि भारत का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा फॉल कौन सा है, तो 340 मीटर की ऊंचाई के साथ मेघालय में मिलता है नोह कालीकई, नोह कालीकई नाम का जो वाटरफॉल है ये आपको मिलेगा मेघालय में, और ये सबसे बड़ा इलाका माना जाता है। अगर आपको जोग या इसमें कंफ्यूजन है, जोग की फिलहाल ऊंचाई 315 मीटर है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं एक बार इंटरनेट पे, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आखिरी और पांचवा क्वेश्चन जो हमारा है वो हम देख रहे हैं कि पूछ रहा है कि जो कमिटीज कुछ तीन चार नीचे दी गई हैं, उसमें से कौन सी कमेटी एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी इन इंडिया, कि इंडिया में गरीबी के बारे में जो जानकारी जुटाई गई उसके संदर्भ में कौन कौन सी कमेटीज बैठी, इनमें से कौन सी है कौन सी नहीं है ये आपको देखना है। तो ऑप्शन आप देखिए, वाई के अलग कमेटी, डी टी लकड़वाला कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, सी रंगराजन कमेटी। आपके जो आंसर कोड हैं आप देख पा रहे हैं, 1 3 4, 2 3 4, 3 4, या फिर सारे के सारे। तो आप इसका आंसर बताइए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका। सिंपल सा इसका आंसर है, चार की चारों जो कमेटीज हैं बिल्कुल ये करेक्ट हैं। गरीबी संबंधी जितनी कमेटीज आई हैं मैं आपको सारी की सारी बता देता हूँ, ये रही सारी कमेटी। पहली आई थी द वर्किंग ग्रुप ऑफ 1962, दूसरी थी वी एन डांडेकर एंड एन रात इन 1971, फिर वाई के अलग कमेटी 1979 में, डी टी लकड़वाला कमेटी, ये लकड़हारा नहीं लकड़वाला है, लकड़वाला कमेटी 1993 में, सचिन तेंदुलकर नहीं सुरेश तेंदुलकर इन 2009, और सी रंगराजन इन 2014। तो आप इन 6 कमेटियों को याद रखिए, ये पावर्टी के संदर्भ में आई थी। तो गाइस एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि जैसे जितने ही मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें कराई हैं उसमें मैंने इमेजेस कुछ डालने की कोशिश की है, तो अगर ये आपको ये तरीका आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही साथ अपने स्कोर जरूर यहाँ पे आप शेयर करिएगा कि आपके 5 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर आप ज्ञान बढ़ाने के पक्षधर हैं, नीचे कॉमेंट करें अपने सुझाव अपना स्कोर, और गाइज ऐसे ही करते रहें स्टडी प्रत्यूष। थैंक यू सो मच, अच्छा पढ़ें।